गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर डूइंग चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोपोर्शन. व्हाट इज प्रोपोर्शन? इफ वी हैव टू इक्वल रेशियो इक्वल और इक्विलेंट, देन दोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन. इन कॉल्ड प्रोपोर्शन. ठीक है बेटा, तो प्रोपोर्शन क्या होगा हमारा? यहाँ पे देखेंगे बेटा प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या होगा? इट इज एन इक्वेशन. ऑफ टू इक्विलेंट रेशियो. ये क्या बेटा? इक्विलेंट रेशियोज का क्या है? इक्वेशन है. दो इक्विलेंट रेशियोज का क्या है? इक्वेशन है. ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास ए रेशियो बी है और सी रेशियो डी है. दो रेशियो है हमारे पास. अब ये क्या होने चाहिए? इक्विलेंट. इक्विलेंट मीन्स इक्वल. अगर ये इक्वल है तो इनको क्या बोलेंगे हम? ये क्या है? प्रोपोर्शन है. ये क्या है? एक प्रोपोर्शन है. ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन. ठीक है बेटा, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी. दिस इज द साइन फॉर प्रोपोर्शन. ये किसके लिए साइन होता है? प्रोपोर्शन के लिए. अब जैसा कि हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी. ए रेशो बी मीन्स ए बाई बी इज इक्वल टू सी रेशो डी मीन्स सी बाई डी. नाउ वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई. ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी. ठीक है बेटा, अब जो हमारा प्रोपोर्शन था वो क्या था? ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी. ठीक है बेटा, क्या आ गया? ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी. ए क्या है हमारे पास? ए और डी क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल वैल्यू है. क्या है? एक्सटर्नल वैल्यू. ये बाहर वाली वैल्यू है. ठीक है बेटा, जो बी और सी है वो क्या है? अंदर वाली वैल्यूज है. ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बना हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. जो प्रोडक्ट है एक्सट्रीम्स की वो क्या होगी? इक्वल होगी किसके? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के. ठीक है बेटा, अगर कोई क्वांटिटीज क्या है? प्रोपोर्शन में है. कोई क्वांटिटीज किस में है? प्रोपोर्शन में. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. अगर कोई क्वांटिटीज में हमारे पास क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, तो वे क्या होंगे? प्रोपोर्शन होंगे. देन दोज क्वांटिटीज इन प्रोपोर्शन. ठीक है बेटा, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग चलेंगे. अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा. ठीक है बेटा, अब हमारे पास आता है इसमें ही कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. अब इसमें क्या आता है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. अब उससे पहले, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से पहले एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा. जैसे अगर कोई आपसे बोले, क्या बोले आपसे, कि ये फाइंड आउट करो कि ये क्वांटिटीज किस में है. चेक वेदर ईच ऑफ वेदर आर इन प्रोपोर्शन और नोट. चेक वेदर आर इन प्रोपोर्शन और नोट. लुक एट हियर बेटा, जैसे हमारे पास क्या है? 6 है, 8 है, प्रोपोर्शन टू ये है हमारे पास क्या बेटा? 6:8. हमें क्या करनी है? चेक करनी है. हमें क्या करनी है? चेक करनी है. तो 6:8:12:16 ये किस में है? हमें चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है. ये क्या चेक करना है हमें? कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है. तो कैसे चेक करेंगे? तो हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स बाहर वाली. 6:16 क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 16:96. और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अंदर वाली. ठीक है बेटा, 8:12 एट जगह क्या हो जाएगा? 96. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यहाँ से हमें क्या मिला बेटा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स.
सो दीज क्वान्टिटीज आर इन ए प्रपोर्शन, तो हम क्या लिखेंगे दीज क्वान्टिटीज आर इन ए प्रपोर्शन। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएंगे जब हमें क्या करना होगा कि क्वान्टिटीज को चेक करना होगा कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। प्रपोर्शन में चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए मीन। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शनल, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या होगा बेटा, इफ वी हैव थ्री क्वांटिटीज एंड रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटीज इक्वल टू रेशियो ऑफ लास्ट टू क्वांटिटीज, ठीक है बेटा। तो क्या कहता है कि इफ ए वी हैव थ्री क्वांटिटीज then ratio of first and second equal to ratio of second and third, then these three quantities are in continued proportion। तो ये जो क्वांटिटीज होंगी ये किस में होंगी बेटा, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में होंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास तीन क्वांटिटी है बेटा, ए रेशो बी रेशो ए बी एंड सी, थ्री क्वांटिटीज है हमारे पास। तो क्या कहता है, फर्स्ट दो का रेशो ए रेशो बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, बी रेशो सी के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, इट मीन्स ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये इस तरह से हमारे पास क्या होंगी, अगर थ्री क्वांटिटीज किस में है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो क्या आ जाएगा ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर आपको पूछेगी ये तीन क्वांटिटीज किस में है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है या नहीं है, तो क्या चेक करेंगे हम कि ए इंटू सी शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब आता है हमारे पास मीन प्रपोर्शनल, मीन प्रपोर्शनल क्या होगा बेटा, मीन प्रपोर्शनल कहलाएगा बी। अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो जो बी है वो क्या कहलाएगा, मीन प्रपोर्शनल, ठीक है बेटा। इफ ए कोमा बी कोमा सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन देन बी इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शनल। बिटवीन ए एंड सी जो बी है वो क्या कहलाएगा, मीन प्रपोर्शनल कहलाएगा, किस किसके बीच में, बी और सी, ए और सी के बीच में कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो अब हमें वो बोले कि मीन प्रपोर्शनल फाइंड आउट करो, तीन क्वांटिटीज में से दो क्वांटिटी देगा वो, और मीन प्रपोर्शनल हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो मीन प्रपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा बेटा, यही होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है बेटा, थर्ड प्रपोर्शनल। अब क्या आता है हमारे पास, थर्ड प्रपोर्शनल, ठीक है बेटा। उससे पहले एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे वो कहता है कि नाइन और फोर के, नाइन एंड फोर क्या है हमारे पास, तीन थ्री, दे आर थ्री क्वांटिटीज, फाइंड द मीन प्रपोर्शनल, सॉरी
क्या कहेगा वो यहाँ पे, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 4, 9 and 4 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो ए की वैल्यू 9 हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए इंटू सी, 9 into 4। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मेन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, मेन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट। ओके बेटा, अब हमारे पास क्या आता है, थर्ड प्रोपोर्शनल। अब हमारे पास क्या आता है बेटा, थर्ड प्रोपोर्शनल। जब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करेंगे तो भी हमारे पास कितनी क्वांटिटीज होंगी बेटा, 3 क्वांटिटीज होंगी। इफ ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या कहता है बेटा, अगर हमारे पास ए बी सी इसमें हो, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो, तो जो वो सी है वो क्या कहलाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा। अब हमारे पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से क्या आया था, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ठीक है बेटा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थर्ड प्रोपोर्शनल की निकालनी है। तो सी क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वेयर बाई ए। सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर बाई ए, ठीक है बेटा। अब वो बोलेगा जैसे ए हमारे पास क्या है, 9 है, और बी हमारे पास कितना बेटा, 6 है। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, 6 into 6 अपॉन ए, 9। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 2 जा 4। 4 इज थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ गिवन क्वांटिटीज। गिवन क्वांटिटीज में जो 4 है वो क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है बेटा। अब जो है हमारे पास आता है बेटा फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब क्या आता है हमारे पास, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, देन डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल। जो D है वो क्या कहलाएगा बेटा, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाएगा। कब, जब A, B और C, D किसमें हो, प्रोपोर्शन में हो, ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास A रेशो B प्रोपोर्शन टू C रेशो D, इट मींस क्या है, A बाई B इक्वल टू C बाई D। तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C। तो D क्या हो जाएगा बेटा, B इंटू C बाई A, क्या हो जाएगा, B इंटू सी बाई ए, क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल, बी इंटू सी बाई ए, ठीक है बेटा। ये क्या कहलाएगा हमारा, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाएगा, ठीक है। तो डी, अब वो बोले जैसे हमारे पास क्या था बेटा, थोड़ी देर पहले ही हमने एग्जांपल किया था, क्या किया था कि चेक करो कि 6, 8 and 12 and 16 क्या थे हमारे पास, प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 6, 8, 12 and 16 किसमें है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है बेटा। अब वो डी की प्लेस पे वैल्यू नहीं देगा, यहाँ पे क्या करेगा, वो क्या बोलेगा, 6, 8 and 12 and 12 are in
प्रोपोर्शन, देन फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो कहेगा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करो, या फिर यहाँ पे क्या दे देगा, x दे देगा, बोलेगा कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, लास्ट वाला क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, तो g क्या होगा, d इज इक्वल टू b इंटू c अपॉन a, ठीक है बेटा। तो a की वैल्यू कितनी है, 6 है, b की वैल्यू कितनी है, 8 है, और C की वैल्यू कितनी है बेटा, 12, तो वैल्यू पुट कर देंगे 8 इंटू 12 बाई ए 6, 6 टू जा 12, 8 टू जा 16, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 16 आ जाएगी, या फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है बेटा। फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, एक्स मान करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स मान करके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। तो उस फॉर्मूले से भी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 6.2 क्या कहता है, चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, तो हमें चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है यार नहीं है, तो प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है या नहीं है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो मैंने आपको करवाया था एक एग्जाम्पल, उसी की तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है। अब वो क्या कहता है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला फॉर्मूला ही हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, यूज करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है बेटा। तो जैसे मैं आपको एक करवा देता हूँ, कुछ पार्ट मैं करवा देता हूँ, बाकी आपको करने हैं। 1/3 ratio 1/4 प्रोपोर्शन टू 1/9 ratio x, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 1/3 into x, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा बेटा, 1/4 into 1/9, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो इस नंबर को कहा ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 into 1/9, ये किसमें बेटा, डिवाइड में तो किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है बेटा। इस नंबर में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 3/1, 3 3 जा 9, क्या आ गया बेटा, 1 into 1 1, 4 3 जा 12, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/12। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करना है। अब वो कहता है थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, कहता है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करो, हमें दे रखा है 18 24 54 and 6, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की, ये किसकी, बी की, ये किसकी, सी की, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की, डी की वैल्यू क्या होती है, बी इंटू सी बाई ए, बी इंटू सी बाई ए, डी इज फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा, लेट डी इज फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो डी की वैल्यू हमें यहाँ से क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, 5 54 into 6 upon, ए की वैल्यू कितनी है, 18 है, 18 3 जा 54, तो 6 3 जा कितना आ गया हमारे पास, 18, वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 18, गॉट इट बेटा। तो इस तरह से आपको फर्स्ट थ्री क्वेश्चन या फोर्थ भी ट्राई करेंगे बेटा, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्थ में क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है हमें, सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू क्या होती है, बी इंटू बी अपॉन ए, बी स्क्वेयर अपॉन ए, ठीक है। तो 4 into 4, जैसे यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ, थर्ड फोर्थ का फर्स्ट, क्या बेटा, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, सी क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, सी क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट सी इज थर्ड प्रोपोर्शनल,
ठीक है बेटा। तो सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर बाय ए। बी स्क्वेयर मीन्स 4 × 4 / a, ए मीन्स 2, 2 × 4। तो क्या आ गया हमारे पास, 4 × 8। क्या आ गया हमारे पास, 4 × 8। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमें क्या करना है, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। ये रहने देंगे अभी आपको, फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ओके, थैंक यू बेटा।